ये वीडियो क्लिप इंटरनेट पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि विकास पाठक नाम के एक शख्स ने अपने पिता की मौत के 3 साल बाद अपनी मां ज्योति पाठक से शादी कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम ज्योति पाठक बताया जा रहा है, जिसने अपने बेटे ही विकास पाठक से शादी कर ली। वही मामला प्रकाश में आने के बाद लोगों का कहना है कि इस महिला ने गलत किया है। बता दें कि महिला के पति की करीब 3 साल पहले मौत हो गई थी। महिला के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला एकदम से अकेला सा महसूस करने लगी थी। साथ ही वह किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। हालांकि इस दौरान महिला के परिजनों ने चिकित्सकों को भी दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। महिला का कहना था कि उसे किसी दोस्त या पार्टनर की ज़रूरत थी, जिससे महिला ने अपने आप को किसी और के पास ना जाने उसे बेहतर समझा और अपने बेटे के साथ ही शादी कर ली। यूजर्स हिंदुओं पर निशाना साधते हुए ये क्लिप शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू अक्सर मुसलमानों पर ऐसे ही आरोप लगाते हुए निशाना साधते हैं। ऑल्ट न्यूज ने वायरल दावे पर संज्ञान लेते हुए मां बेटे की इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें फरवरी 2022 में पब्लिश्ड आउटलुक इंडिया का ये आर्टिकल मिला। महिला का नाम विजय कुमारी है और उसके बेटे का नाम कन्हैया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1993 में इस महिला को कानपुर में एक हत्या के मामले में फंसाया गया था और इसके बाद वो 20 साल तक जेल में ही रही थी। उसने अपने बेटे कन्हैया को भी जेल में ही जन्म दिया था। साल 2013 में कन्हैया ने अपनी मां विजय कुमारी की जमानत राशि का भुगतान कर अपनी मां को रिहा करवाया था। और भी कई मीडिया संगठनों ने इस मामले को रिपोर्ट करते हुए विजय कुमारी की लंबे कारावास की कहानी सुनाई थी। तो जैसा कि आपने देखा, एक बेटे द्वारा जमानत दिलवाए जाने के बाद माँ बेटे की तस्वीर वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर गलत क्लेम के साथ शेयर किया गया कि एक हिंदू महिला ने अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे से ही शादी कर ली।